सो ये हमारे पास क्यूसीए टेस्ट की फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर होगी। सो इसके हम एमसीक्यूज डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज दिस, इफ दे आर 10 मीटर अपार्ट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब कूलम इंटू कूलम, वो हमारे पास कूलम स्क्वेयर देगा। यहाँ पे किसी कहीं भी यूनिट कूलम स्क्वेयर नहीं है, सो ऑप्शन रॉन्ग, नन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब सॉल्व करना चाहो, फोर्स आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ के, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और आर स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो के और ये तो कट जाएगा, 10⁻² 100 और कूलम स्क्वेयर 100 कूलम स्क्वेयर हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। फिर है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, इट इज इक्विवेलेंट टू, एनर्जी हमारे पास क्या है, 1.6 × 10⁻³। अब मेगा में लेट सपोज मैं ए ऑप्शन मेगा है ना, तो मेगा में क्या होता है 10⁻⁶, और यही मैं 10⁻⁶ भी लिख दूँ फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये −66 के साथ लगा दूँ, −19 हो जाएगा, −19 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 10⁻⁶ मेगा है तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए ऑप्शन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज वो हमारे पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, वो हमारे पास क्यू वी के बराबर होता है, ठीक है। क्यों मालूम करना है, वी की जगह पुट करो 10⁶, मेगा और 10⁶ कट जाएगा, क्यों हमारे पास 2e बच रहा है। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 2 microfarad। अच्छा देखो ना, माइक्रो में दे रहा है तो हमारे पास आंसर भी माइक्रो में आना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी आंसर माइक्रो में नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे नन पुट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर सॉल्व करना चाहो तो क्यों हमारे पास क्या होता है, सी वी, वी हमारे पास 9 दिया हुआ है, सी में सीरीज में क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2, इससे सॉल्व करो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। व्हेन टू चार्ज बॉडी आर कनेक्टेड बट करंट इज जीरो दे आर ऑफ, सो वो हमारे पास सेम पोटेंशियल पे होते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेंटर पे चार्ज है, नेट फोर्स क्या होगा, तो इस पे इसका भी सेम रिपल्शन, ये भी सेम रिपल्शन, ये भी सेम रिपल्शन, ये भी सेम रिपल्शन, तो नेट फोर्स हमारे पास जीरो। एट इक्विपोटेंशियल सरफेस ई इज कांस्टेंट। If the graph is concerned to a capacitor connected with voltage, then x represent. अच्छा x देखो ना constant है, but v हमारे पास बढ़ रहा है, तो we know that q is equal to c v, c इनमें constant होते हैं, v और q बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो c हमारे पास ये capacitance x हो जाएगा। Which substance is a photoconductor? So selenium. A sphere contain 3 charges +Q, +Q and -Q, तो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू कट जाएगा, सिर्फ प्लस क्यू बचेगा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास गॉज़ला, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। चाहे वो करंट को तब्दील कर रहा हो, वोल्टेज को तब्दील कर रहा हो। वन मो, मो हमारे पास ओम का इनवर्स होता है। द स्लोप ऑफ ओमिक कर्व इज इक्वल टू 1/R। द करेक्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर का इनवर्स। द डायमेंशन ऑफ ओम, और ओम है और मो जो है ना ओम का इनवर्स है, तो ये हमारे पास 1 देगा, M0L0T0। इन अ सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ई माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। आई आर और आर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ये माइनस क्योंकि ये जाया होगा ना, दैट्स व्हाई माइनस, सी ऑप्शन करेक्ट है। द शेप ऑफ ओमिक कर्व फॉर अ मेटल इज इंक्लाइंड। द सोर्स ऑफ ईएमएफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू अ वोल्टेज इज, सो वो हमारे पास बैटरी है। द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अच्छा देखो ना पैरेलल में है हमारे पास और सेम है, तो उसके लिए आर बाई एन यूज करते हैं। एन कितने रेजिस्टेंस है, 2। अब सीरीज में, सीरीज में सीधा ऐड होगा, नो 2 ऊपर आर और उस तरफ 2R, नो 3R/2, हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द जंक्शन रूल, ये KCL होता है, चार्ज होता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किरचॉफ करंट लॉ है हमारे पास। द डायमेंशन ऑफ वी स्क्वेयर टी इंटू आर, अच्छा वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी, वी स्क्वेयर बाई आर हमारे पास पावर है, पावर इंटू टाइम, वी नो दैट वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। अब टाइम उधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास वर्क देगा, वर्क का डायमेंशन एनर्जी के साथ सेम होता है, हीट के साथ सेम होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे दे सकते हैं, तो सारों के साथ हमारे पास सेम होता है वर्क, तो ये हैं खुद। फॉर अ चार्जिंग कैपेसिटर आर बाई टी, अच्छा देखो आर सी हमारे पास टाइम देता है, अब टाइम इधर डिवाइड हुआ तो सी उधर चला जाएगा, यानी 1/C, सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अ चार्ज 1q इज प्लेस बिसाइड अ स्फीयर, स्फीयर के बाहर है, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब स्फीयर के बाहर है उसका जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो जीरो, ठीक है, तो जीरो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन।
फिर हमारे पास एक वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर प्लेस परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड इंटेंसिटीज। अच्छी इस तरह है ना, यहाँ पे फोर्स दी हुई है 80 न्यूटन हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है। सो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू बिल लेंथ, इधर नीचे आ जाएगा, एफ क्या 80, लेंथ 10 है, और बी आई तो हमने मालूम करना है, इसका प्रोडक्ट तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। नो, ए ऑप्शन करेक्ट है। वी हैव 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम रेजिस्टर फॉर लो रेंज एमीटर वी विल यूज, सो इट्स रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा उसका रेंज उतना लो, ठीक है। नो, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक, फार्मूला क्या है इसका हमारे पास, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन किस पे हाफ होता है, साइन 30 दे रहा है ना, 30, तो साइन 30 पे हमारे पास हाफ होता है, यानी 0.5 क्यू वी बी, क्यू की जगह ई पुट कर दो, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स फार्मूला, फार्मूले की बात कर रहे हैं तो ये तो नन फार्मूला तो ये हमारे पास नहीं, ये तो हमारे पास एम्पियर्स लॉ है, ठीक है, जो कि हमारे पास जनरल है, सारों के लिए यूज होता है हमारे। इन वर्किंग प्रोसेस वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन, सो वर्किंग प्रोसेस में वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। कैल्वेनोमीटर कैन बी मॉडिफाइड टू, सारों में मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्मिस्टर आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी और क्लोज्ड, ठीक है। द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, द एनर्जी स्टोर, एनर्जी मेरे पास दे रहा है 1000, अच्छा 1/2 सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर, सी मेरे पास क्या है 10 है, एक जीरो कट जाएगा, 100 दोने 200, और वी स्क्वायर है ना, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 200 का स्क्वायर रूट कोई ना 200 देगा, ना 100 देगा, ना 10 देगा, नन ऑफ दिस। द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज मेड 100% द न्यू पोटेंशियल वर्सेस ओल्ड पोटेंशियल, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी वी है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है इसमें। नो, डबल कर दिए तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है, और पहले क्या था, 1 था, तो 2:1। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन इज 4:1, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, तो फोर्स हमारे पास फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो 4:1, तो 4 न्यूटन पर कूलम। फिर हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बी जो है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही कहलाता है। द कम्प्लीट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी क्रॉस बी, करेक्ट है, ठीक है। द नेट रेजिस्टेंस इन द गिवन, अच्छा नेट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, पैरेलल में है ना रेजिस्टेंस, नो 1/r प्लस 1/r/2 है ना, तो 2 पर चला जाएगा 2/r, नो ये इसके एलसीएम r हो जाएगा, और ऊपर r प्लस 2, तो ये मेरे पास 3r बन रहा है, ठीक है 3, अच्छा अब ये 1/r है ना, ये मेरे पास उलट हो जाएगा, तो ये r/3 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है 3 है ना, तो ये r/3 है, इसके ऊपर चला जाएगा, तो r/3, नो r/3 ये हो गया, अब उसके साथ सीरीज में है, तो r/3 प्लस r, तो 3 एलसीएम, नो ऊपर r, और ये 3r, नो 4r/3 हमारे पास बनता है, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है द रेजिस्टिविटी ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कंडीशन कंडक्टिंग वायर इज, एक साइन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो भी हमारे पास वही साइन वाली रहेगी, चाहिए 10 हो चाहिए 20 हो, तो वही सेम रहेगी। इफ करंट इन 3R इज 9 एम्पेयर है ये हमारे पास, ठीक है 9, द करंट इन R कह रहा है V इज इक्वल टू आई आर है ना हमारे पास, तो आई और आर हमारे पास क्या इनवर्स है। अब 3R में हमारे पास करंट कह रहा है, 3R में करंट 9 है, ठीक है 3R में, और अब कह रहा है कि R में मेरे पास कितना करंट होगा X, अब ये R कट जाएगा, ना उधर चला जाएगा, 9 × 3 = 27, X में हमारे पास 27 एम्पियर होगा, ठीक है। फिर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इन वेलोसिटी सेलेक्टर इज 2:3, द स्पीड, अच्छा इन वेलोसिटी इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, अब ये E बाई B भी हो सकता है, यानी 2/3, लेट सपोज मैं इंटेंस इसको 2 ले रहा हूँ, इसको 2, ये हमारे पास ये B बाई E हो सकता है, यानी ऊपर 3 नीचे 2, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो या तो ये 0.66 भी आ सकता है, या 2 मीटर पर सेकंड भी हमारे, 2 मीटर नहीं, 2/3 से हमारे पास 0.66 आएगा ना,
यस, और 3/2 से हमारे पास 1.5 आते हैं, ठीक है। तो ए एंड सी है, हाँ ए एंड, इधर भी ए एंड सी लिखा हुआ है, सॉरी। तो ए एंड सी आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम ऑपरेटेड बाय 10 वोल्ट, द पावर, पावर क्या है, वी स्क्वेयर, यानी 10 का स्क्वेयर 100, और नीचे आर कट जाएगा 10 वाट हमारे पास, करेक्ट है। द चार्ज ऑन टोनर पार्टिकल इज नेगेटिव, वी क्या हो, ई क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल आर, आर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डेल वी देगा, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। टू कैपेसिटर इन 10 माइक्रो फेराड इन पैरेलल पोजेस, पैरेलल की बात कर रहा है ना हमारे पास, तो पैरेलल में हमारे पास 10 प्लस 10, ठीक है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर पैरेलल में हमारे पास जमा होते हैं, 10 प्लस 20 देगा, ठीक है, 20 तो यहाँ पे है नहीं, तो मीन्स इस सीरीज में हम ले लेते हैं, सीरीज में क्या होगा 10, सीरीज में हमारे पास 10 1 बटा सी है ना, 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, नो या हम इस तरह भी कर सकते हैं सी बाई एन, और एन क्या है 2 है, तो ऊपर 10 लिख लो, 10/2 5 हमारे पास, और अगर इससे कर लो 10 ऊपर हमारे पास 1 + 1 = 2 1/5, और ये 1/c है ना, सी ऊपर चला जाएगा तो 5, सी 5 आ रहा है, ठीक है, तो 5 भी। अब इन लोगों ने भी सीरीज में लिखे, चेक हो सकता है सर ने इनको बताया हो। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 10 पर द काइनेटिक एनर्जी इज, अच्छा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उस पर चार्ज 2e होता है, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, सर पोटेंशियल वी जो है ना वो 10^6 दे रहा है, 10^6 मेगा होता है, सो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। If we increase the distance between the plate of a charge capacitor, the potential between plate will, so that will be decrease हमारे पास, ठीक है, B option correct है। A parallel plate capacitor, अच्छा देखो ना इस तरह हमारे पास बात है कि let's suppose अगर ये एक plate है, ये एक plate, अभी let's suppose कोई test charge पड़े इन पे, कोई force act करे, वो force हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पोटेंशियल देता है, अब ये दूर जा रहे हैं तो इस पर फोर्स कम होगी, फोर्स कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हमारे पास पोटेंशियल भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज एंड देन डाई इलेक्ट्रिक स्लेब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू द क्वांटिटी दैट रिमेन सेम, सो यहाँ पे हमारे पास चार्ज सेम रहता है, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, एनर्जी तो डिक्रीज होती है, सो ओनली सेम चार्ज। टू यूनिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाई यूनिट लेंथ विल हैव फोर्स, फोर्स क्या होता है कि क्यू भी वन है, क्यू टू भी वन है, और यूनिट लेंथ, लेंथ भी वन का स्क्वायर वन है, तो के और फोर्स का न्यूटन क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन, सो के न्यूटन। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर डीसी, करेक्ट है, टेस्ला मीटर एम्पेयर इज द, सो वो हमारे पास क्या है, बिल, बी आई एल, बिल, टेस्ला मीटर और एम्पेयर ये हमारे पास फोर्स देते हैं, फोर्स बिल के बराबर है हमारे पास, ठीक है। हम मैग्नेटिक फ्लक्स 173 था ना, यस 174 है हमारे पास कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, सी ऑप्शन करेक्ट है। द रेजिस्टेंस यूज इन एम मीटर मस्ट बी स्मॉलर इफ दे आर एन कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड इन पैरेलल टू वी देन एनर्जी स्टोर, सो 1/2 सी वी स्क्वेयर होता है ना, और एन कैपेसिटर है तो एन सी वी स्क्वेयर, सो 1/2 एन सी वी स्क्वेयर ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एन ऊपर होगा हमारे पास, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।